तो यहाँ पर अंकल जी काफल बेच रहे। तो अंकल जी क्या भाव दे रहे हो काफल? तो ताजे हैं अंकल जी? दोस्तों अपनी चाय और मैगी आ गई है और जो है अपने घर से पराठे आए हैं गरम गरम, तो पराठे के और मैगी खाते। तो दोस्तों ये है अपनी बाल मिठाई अल्मोड़ा की प्रसिद्ध एकदम फेमस, जिसके लिए अल्मोड़ा में फेमस है। हेलो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल, आई होप आप बढ़िया होगे। स्वागत है आपका मेरे ब्रांड न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो में। तो नई दिन और नई शुरुआत के साथ अपना एक नया ब्लॉग वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं अल्मोड़ा, तो मेरे साथ है पंकज और अभी सुबह के 6:30 हो रहा है, तो अभी 7 बजे हमें निकलना है। तो मैं तैयार हो चुका हूँ, तो पंकज का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। और तब तक मैं थोड़ा कुछ और काम कर लेता हूँ, तो फिलहाल तो मैं तैयार हो गया हूँ। तो जैसे ही वो आएगा उसके बाद हम चलेंगे और आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। तो वेट करते हैं उसका और जैसे ही आता है फिर निकलते हैं। तो दोस्तों 7 बज चुके हैं सुबह के और पंकज जी बोल रहा है कि मेरे घर पे आ जाओ, वहीं से चलेंगे। तो उसके घर पे चलते हैं और सीधा वहाँ से चलते हैं अल्मोड़ा के और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो बिना देरी करे उसके घर पे चलता हूँ मैं। दोस्तों रानीखेत हम पहुंच चुके हैं और रानीखेत से जो है गोल्फ ग्राउंड के आसपास हम खड़े हैं और यहाँ पर अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थक गए हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे को चलेंगे। तो यहाँ पर स्कूटी खड़ी करी है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते क्योंकि जब बैठे बैठे भी थक जा रहे हैं ना थोड़ा, तो रेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद चलते हैं आगे को और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो दोस्तों मौसम जो है ख़राब बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि बदल लगे हैं और आजकल रोज़ रेगुलर बारिश हो रही है, तो ऐसा ना हो कि कहीं अल्मोड़ा पहुँचते पहुँचते बारिश हो जाए। तो देखते हैं, बारिश होगी तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, तो घूमने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो मौसम साफ रहेगा तो सही रहेगा, देखते हैं क्या होता है। तो आगे को चलेंगे और आगे आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों रास्ते में हम रुके हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं काफल, तो सामने दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अंकल जी काफल बेच रहे हैं। तो अंकल जी क्या भाव दे रहे हो काफल? काफल 160 रुपये। तो ताजे हैं अंकल जी? हाँ। तो यहाँ पर अंकल जी ताजे ताजे काफल बेचने आ रहे हैं। एक बार कोई नहीं, आप दिल्ली गए हम। अंकल जी ताजे लग रहे हैं आपके काफल, मीठे हो रहे, मीठे हो रहे। कल रात बारिश भी हो गई ना। अच्छा अंकल जी कब तोड़ के लाते थे? कल आए अभी सुबह तोड़ के आ रहे। अच्छा कोई बच्चे पिछले लाए थे? आप ही लाए? नहीं, वहाँ से आते हैं जहाँ जिंदल कंपनी का खुल रखी है मनोजरा में। अच्छा ये वहाँ से आते हैं साहब बगीचे। अच्छा आप रोज लेके आते हैं? मैं लेके नहीं आता हूँ, गाड़ी से पहुँचा जाता है। अच्छा अच्छा आप रोज बेचते हैं पर? हाँ मैं यहाँ पर रोज बेचता। अच्छा अच्छा निकल जाते हैं सुबह से शाम? हाँ निकल जाते हैं फिर साहब आप लोगों की कृपा से। चलो ठीक है, ऐसा नहीं देता। ठीक है ठीक है, चलना ही पड़ता। हाँ करना ही पड़ेगा, वेट के लिए करना ही पड़ता है। काफी के दाने गिर गया था। काटा है आपके पास पुराने जमाने के? अच्छा अच्छा डीजे साहब आ रहे हैं। हाँ गली धन्यवाद। जोड़े में गए डोर नहीं है मेरे पास, ऐसे मोड़ मार के तो वो कर लेना उसमें। हाँ, मोड़ दो से और एक डिग्गी बना दे से। हाँ, खड़े डालना परस जाएंगे ना मेरे ज्यादा गर्मी से। हाँ, डिग्गी बना देंगे। हाँ तो दोस्तों बीच जगह पे हम यहाँ पर रुके थे और यहाँ पर अंकल जी काफल बेचते हैं, तो इनसे हमने काफल ले लिए। तो रोज आते हैं बेचने के लिए, तो वेट के लिए करना ही पड़ता है। तो इतना इतना काम है तो काफल बेचते आते हैं, तो काफल ले लिया हमने। तो आगे चलते हैं और आगे भी आपको नज़ारा दिखाते रहेंगे। तो अब मौसम ज़रा खुल गया, धूप आ गई है, हमको लगा कि बारिश हो जाएगी लेकिन बारिश नहीं हुई, तो मौसम क्लियर हो चुका है। तो चलते सीधा आगे को।
दोस्तों हम जो है कोसी से पीछे 6 किलोमीटर पीछे हैं। यहाँ पर एक ढाबा है, यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं और मैगी खा रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे जो है आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ढाबा और यहाँ पर गौशाला भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है यहाँ पर गौशाला का जो है बोर्ड है, पर गौ सेवा न्यास गुरुकुल। तो नीचे जो है गौशाला है और यहाँ पर जो है सामने छोटा सा ढाबा है, यहाँ पर हम चाय पी रहे, चाय पीते हैं और उसके बाद आगे को निकलते। तो दोस्तों अपनी चाय और मैगी आ गई है और जो है अपने घर से पराठे आए हैं गरम गरम, तो पराठे के और मैगी खाते हैं और चाय पीते हैं और उसके बाद सीधा निकलते हैं आगे को और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम मैगी खा लेते, नाश्ता कर लेते। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और अब सीधा चलते हैं आगे को। तो दोस्तों अल्मोड़ा हम पहुंच चुके हैं और अब स्कूटी खड़ी करने की देख रहे हैं कि कहां पर खड़ी होगी। यहां पर जगह ढूंढ रहे हैं तो स्कूटी खड़ी करेंगे, उसके बाद जो घूमने आएंगे हम पैदल जाएंगे। तो स्कूटी पहले खड़ी करने की जगह देखते हैं, उसके बाद आगे वो घूमने को जाएंगे। तो स्कूटी फिलहाल तो हमने यहाँ पर खड़ी करी है और उसके बाद देखते हैं स्कूटी खड़ी करने की जगह मिल जाएगी तो उसके बाद आगे को चलेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ जो भी घूमने जाएंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं पहले इसको। तो फाइनली हम यहाँ पर अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम पर खड़े हैं। ये अल्मोड़ा शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहाँ सभी खेल खेले जाते हैं। तो ये स्टेडियम बहुत ही पुराना है और यहाँ किसी भी खेल के लिए कोई स्थायी कोच नहीं है। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी आए थे और जब वो आए थे तो ये स्टेडियम खचाखच भीड़ से भरा हुआ था और बहुत भीड़ थी यहाँ, ऊपर से पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा भीड़ी भीड़ थी। और ये बड़ा प्रसिद्ध स्टेडियम है यहाँ का। तो दोस्तों स्टेडियम मैंने आपको दिखा दिया और अब हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट मॉल। तो सीधा मॉल की ओर ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं आपको आगे मॉल का नज़ारा। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं नंदा देवी मंदिर और अब आपको अंदर एक्सप्लोर कराते हैं और अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो चलिए सीधा आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं।
तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर पहले एक पेड़ हुआ करता था जिसमें प्यारे प्यारे फूल थे, लेकिन अफसोस वो बारिश और आंधी तूफान आने से यहाँ पर नहीं रहा, और अब नगर पालिका द्वारा यहाँ पर एक आई लव अल्मोड़ा का बोर्ड लगा दिया गया। तो चलते हैं अब सीधा इसके अंदर और यहाँ का सिनेमेटिक शॉट लेते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड लगाया गया है यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लगा। दोस्तों हम भी यहाँ पर फोटो लेते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो अब हमें अल्मोड़ा की फेमस मिठाई लेके जानी है जो कि है बाल मिठाई। तो आपको दिखाएंगे यहाँ की फेमस बाल मिठाई। तो चलते हैं हम सीधा चलते हैं अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई लेने और आपको दिखाते हैं अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई। तो आज जो है हम बहुत कम घूमे अल्मोड़ा का, मतलब आधा भी नहीं घूमे, हम बहुत कम घूमे क्योंकि टाइम जो हमारे पास है टाइम की कमी है, इस वजह से हम अल्मोड़ा घूम नहीं पाए हैं। तो बाद में कभी टाइम मिलेगा तो यहाँ दोबारा आएंगे। तो फिलहाल तो हम कुछ ही जगहों पर, कुछ ही प्लेस पे घूम पाए हैं। तो टाइम मिलेगा तो दोबारा यहाँ आएंगे और अच्छे से घूमेंगे और पूरे आपको इधर दिखाएंगे। तो दोस्तों आप सीधा चलते हैं बाल मिठाई लेने और आपको दिखाते हैं बाल मिठाई, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हम बाल मिठाई लेने के लिए आ गए हैं और जहां हम दुकान में आए हैं ये बहुत पुरानी दुकान है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहां बहुत अच्छी बाल मिठाई मिलती है और जो भी है ये बहुत पुरानी दुकान है। तो ये है खेम सिंह रौतेला, मोहन सिंह रौतेला के नाम से दुकान है, जैसे कि देख सकते हैं आप बोर्ड पर लिखा है। तो यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, फेमस दुकान। तो दोस्तों करीबन 15-20 मिनट यहाँ पर खड़े होने के बाद मुझे बाल मिठाई मिली और यहाँ पर सभी मिठाई मिलती है, चॉकलेट और जो वो हरे पत्तों में आती है मिठाई सिंगाड़ा, वो भी यहाँ पर मिलती है। तो 15-20 मिनट लाइन लगानी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी और 15-20 मिनट लाइन लगाने के बाद हमें मिठाई मिली। तो बहुत ही फेमस दुकान है तो पता लग गया मुझे यहाँ, मतलब और भी मिठाई की दुकान थी वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, यहाँ जो ये वाली दुकान है इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग, मतलब एक मिनट की भी इन्हें फुर्सत नहीं थी। तो मिठाई यहाँ की बहुत फेमस होगी इनकी, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी। तो दोस्तों ये है अपनी बाल मिठाई अल्मोड़ा की प्रसिद्ध, एकदम फेमस, जिसके लिए अल्मोड़ा में फेमस है बाल मिठाई अपनी, और जो कि ये दुकान खेम सिंह और मोहन सिंह रौतेला जी की दुकान जो है अल्मोड़ा में बहुत प्रसिद्ध दुकान है बाल मिठाई की। तो वही, मतलब सबसे फेमस दुकान वही है, भीड़ ज़्यादा वहीं होती है। तो इसको लेने में मुझे करीबन 15 मिनट वहाँ पर लाइन में खड़ा होना पड़ा, फिर उसके बाद मुझे मिठाई मिली। तो अब मैं समझ गया भाई साहब की बाल मिठाई कितनी प्रसिद्ध है अल्मोड़ा में, तो इनके दुकान में ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, पता नहीं क्या, मतलब ऐसी क्या बात होगी इस मिठाई में। तो मिठाई अच्छी होगी इसीलिए फेमस होगी। तो खेम सिंह और मोहन सिंह रौतेला दोनों के नाम पे दुकान है। तो देख सकते हो आप बाल मिठाई किस शानदार सी लग रही है, मज़ा आ रहा है भाई साहब इसको देख के, एकदम बाल मिठाई।